नीता मैम ने बहुत शुभ अवसर पे बुलाया है अनंत जी के शादी में और सभी 14 मंदिरों का निर्माण हुआ है। आज देख रहे हैं कि ये मंदिरों के निर्माण में कई सारे मजदूर लोग कलाकार जुड़े हुए अलग कम्युनिटी और अलग मजहब के लोग हैं। भगवान जी के ये शुभ कार्य में ऐसा लग रहा है कि सारा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है और ये कार्य सफल हो रहा है। શ્રી કૃષ્ણ કેમ છો બધા? બહુ ફાઇન ગાયો. તું રોજ મંદિર આવે? હા રોજ. અરે વાહ, ચલ બાય બાય. આવજો. ગમે છે પણ બધું? સરસ સરસ. સારું લાગે છે? આ બધું પરમેનન્ટ રાખ. પરમેનન્ટ છે, એકવાર થઈ જશે પછી તમને લોકોને બહુ આનંદ આવશે અહીંયા. જય શ્રી કૃષ્ણ આપને સબ. જય શ્રી કૃષ્ણ આપ સબકો. નમસ્તે સુનિલ જી. ये सब बनाने के पीछे इतनी सुंदर मूर्तियाँ, उसके बारे में कुछ बताइए. रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्यम विवेचनम सादृश्य वर्णिका भंगस्य इति चित्र षडंगम. ये जो हम लोग के षडंग के जो नियम है इसी आधार पर ये सब रचना की हुई है. मंदिर की रचना, उनके मूर्ति, रूप भेद मतलब आकारों की विविधता, प्रमाणानि उनकी हाइट्स, भाव लावण्य, नवरस के प्रति होने वाले मंदिरों से आने वाले भाव, योजना, सुंदरता, वर्णिका भंगस्य मीन्स के टेक्स्चर्स, कलर्स, ये सब यहाँ पे हम लोगों ने लाने की कोशिश की है. यही चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला का मेन अंग यही है. ब्यूटिफुल. जय श्री कृष्ण. ना बारीक काम आपने किया है, तो आपने कहाँ से सीखा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ. और जहाँ तक मेरी कला का ये है तो मैं बचपन से ही इसमें रुचि है मेरी. तो आपने खुद सीखा ये सब? खुद सीखा, फिर बाद में हमने गुरु भी बनाए अपने. गली गली जाके मैं दुकान दुकान पे चाय बेचता था लोगों को. अच्छा. और साथ ही समय निकाल के अपना पेंटिंग भी करता था. मतलब वो कार्य मैंने छोड़ा नहीं. भगवान की कृपा आप पे ऐसी ही रहे. नीता मैम ने बहुत शुभ अवसर पे बुलाया है अनंत जी के शादी में और सभी 14 मंदिरों का निर्माण हुआ है. आज देख रहे हैं कि ये मंदिरों के निर्माण में कई सारे मजदूर लोग कलाकार जुड़े हुए अलग कम्युनिटी और अलग मजहब के लोग हैं. भगवान जी के ये शुभ कार्य में ऐसा लग रहा है कि सारा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है और ये कार्य सफल हो रहा है. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? બહુ ફાઇન ગાયો. તું રોજ મંદિર આવે? હા રોજ. અરે વાહ, ચલ બાય બાય. આવજો. ગમે છે પણ બધું? સરસ સરસ. સારું લાગે છે? આ બધું પરમેનન્ટ રાખ. પરમેનન્ટ છે, એકવાર થઈ જશે પછી તમને લોકોને બહુ આનંદ આવશે અહીંયા. જય શ્રી કૃષ્ણ આપને સબ. જય શ્રી કૃષ્ણ આપ સબકો. નમસ્તે સુનિલ જી. ये सब बनाने के पीछे इतनी सुंदर मूर्तियाँ, उसके बारे में कुछ बताइए. रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्यम विवेचनम सादृश्य वर्णिका भंगस्य इति चित्र षडंगम. ये जो हम लोग के षडंग के जो नियम है इसी आधार पर ये सब रचना की हुई है. मंदिर की रचना, उनके मूर्ति, रूप भेद मतलब आकारों की विविधता, प्रमाणानि उनकी हाइट्स, भाव लावण्य, नवरस के प्रति होने वाले मंदिरों से आने वाले भाव, योजना, सुंदरता, वर्णिका भंगस्य मीन्स के टेक्स्चर्स, कलर्स, ये सब यहाँ पे हम लोगों ने लाने की कोशिश की है. यही चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला का मेन अंग यही है. ब्यूटिफुल. जय श्री कृष्ण. ना बारीक काम आपने किया है, तो आपने कहाँ से सीखा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ. और जहाँ तक मेरी कला का ये है तो मैं बचपन से ही इसमें रुचि है मेरी. तो आपने खुद सीखा ये सब? खुद सीखा, फिर बाद में हमने गुरु भी बनाए अपने. गली गली जाके मैं दुकान दुकान पे चाय बेचता था लोगों को. अच्छा. और साथ ही समय निकाल के अपना पेंटिंग भी करता था. मतलब वो कार्य मैंने छोड़ा नहीं. भगवान की कृपा आप पे ऐसी ही रहे.